गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली कक्षा में हमने लेसन नंबर 6 संसार पुस्तक है इसका विवरण किए थे, और जो इसका विवरण का क्या एक्सप्लेनेशन हो चुका और कंप्लीट भी होगा लेसन। तो इस संसार पुस्तक है के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी हैं। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी का चित्र देखिए आप लोग, ये कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी, यानी प्रथम यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। कौन है ये? प्रथम प्रधानमंत्री। तो ये लेख किसने, नेहरू जी अपनी बेटी यानी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा है। यहाँ पर देखिए आप, संसार पुस्तक है, वह लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। उनकी बेटी इंदिरा जी जब 10 वर्ष की थी तब नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। 10 वर्ष की यानी 11 साल की थी वह केवल, उनकी बेटी यानी उनकी पुत्री, जब उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी यानी कई चिट्ठियां लिखी, कई पत्र लिखे। इन चिट्ठियों में बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई। पृथ्वी की शुरुआत यानी पृथ्वी का क्या है बच्चों? पृथ्वी यानी धरती, भू, वसुंधरा, भूमि, ये सारे क्या है? पर्यायवाची है यहाँ पे, यानी सिमिलर मीनिंग है। सिमिलर मीनिंग यानी सेम मीनिंग वाले शब्द है यहाँ पर। तो पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो पृथ्वी के कितने पर्यायवाची है यहाँ पर? धरती, भू, वसुंधरा, भूमि, जमीन, ये सारे पर्यायवाची कहलाते हैं। इन चिट्ठियों में बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को धीरे धीरे कैसे पहचानना शुरू किया। नेहरू जी ने इन चिट्ठियों में अपने देश के बारे में बताने का प्रयास किया। इन चिट्ठियों में क्या क्या बताया गया? पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, मनुष्य यानी आदमी अपने आप को कैसे कैसे पहचानना शुरू किया, और इस चिट्ठियों में अपने देश के बारे में बताने का प्रयास किया। इन चिट्ठियों में क्या? अपने देश के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में बताने का प्रयास का अर्थ क्या है बच्चों? कोशिश करना। प्रयास यानी कोशिश, प्रयत्न भी कह सकते हैं, प्रयत्न करना, कोशिश करना, प्रयास करना, ये भी समान अर्थ है यहाँ पर। तो प्रयास किया गया, अपने देश के बारे में बताने की कोशिश की गई। यह पत्र पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक के रूप में संकलित है, यानी पब्लिश किया गया है। ये संसार पुस्तक है जो सुनी, इसी पुस्तक का एक भाग है। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक का एक भाग है, यानी एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जो आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। ये पुस्तक पढ़ने से क्या है, अपने संसार में आगे पीछे क्या है सब जानने की उत्सुकता पैदा करना है, जानने की इच्छा, उत्सुकता। उत्सुकता का क्या? उत्सुकता पैदा करना है, इच्छा यानी उत्सुकता है, ख्वाहिश पैदा करना, उत्सुकता, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा है, जिज्ञासा को हिंदी में क्या, जानने की इच्छा है यानी क्यूरियोसिटी कहते हैं। कोई भी चीज सुनना, जानना, समझने की कोशिश करना, इच्छा जान रखना। पर लेखक ने लिखा है क्योंकि उनकी बेटी को इस दुनिया की और उसके छोटे बड़े देशों को जानने की इच्छा है। लेखक कौन है यहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू जी है। उनकी पुत्री को दुनिया के बारे में जानने की इच्छा है, इसलिए उसका ज्ञान बढ़ाने के लिए छोटी छोटी कथाओं द्वारा उसकी कुछ सहायता कर पाएंगे। उसका ज्ञान बढ़ाने के लिए है उसकी नॉलेज। ज्ञान का क्या है बच्चों? नॉलेज। तो उसका ज्ञान यानी उसकी नॉलेज बढ़ाने के लिए उनकी इस तरह कुछ सहायता कर पाएंगे। उनका कहना है कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इस पर कोई आदमी ना था, सिर्फ जानवर थे। लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी थी और इस पर कोई आदमी नहीं था, सिर्फ जानवर रहते थे। बढ़ाने के लिए
और जानवरों से पहले भी कोई जानदार चीज न थी, क्योंकि शायद तब धरती बेहद गर्म थी। धरती बेहद गर्म थी यानी बहुत ज्यादा गर्म थी। यह बात जानवरों की पुरानी हड्डियां देखने से हमें खुद मालूम होता है। जानवरों की जो पुरानी हड्डियां हमें देखने से हमें खुद मालूम होता है कि धरती हमारी पहले कितनी गर्म थी, इसलिए कोई जानदार चीज जमीन पर नहीं टिकती थी। लेकिन जब आदमी ही नहीं था तो किताबें और कौन लिख पाता। लेकिन खुशी की बात है, पुराने जमाने की किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। हमारे पास आदमी ही नहीं था तो किताबें लिखने वाला कौन था, हमारा इतिहास बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन खुशी की बात, प्रसन्नता की बात क्या है हमारे लिए कि पुराने जमाने की कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। पहाड़ है जैसे समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर थोड़े ही दिनों में तुम उनका हाल बता सकती हो। किसी भाषा को सीखने के लिए जैसे उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी के अक्षर सीखने होते हैं, उसी तरह हमें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे। जिस तरह हमें कोई भी लैंग्वेज पढ़ने के लिए सीखने के लिए हमें पहले अक्षर यानी लेटर्स को पढ़ना पड़ता है, लेटर्स को सीखना पड़ता है। अक्षर यानी लेटर। पहले कोई भी भाषा को यानी कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें उसके लेटर्स पढ़ना पड़ता है, उसके अक्षर सीखना होता है। तो उसी प्रकार हमें भी प्रकृति के अक्षर सीखना होगा। प्रकृति को समझने के लिए उसके अक्षर, उसकी भाषा समझनी होगी। यदि तुम किसी नई चट्टान का छोटा टुकड़ा देखो तो मालूम होगा कि यह टुकड़ा नुकीला और खुरदुरा होगा। चट्टान का एक छोटा सा टुकड़ा यानी ईंट या पत्थर का छोटा सा टुकड़ा यानी छोटा सा एक पीस कितना नुकीला है, कॉर्नर्स उसके तेज रहते हैं, एकदम रफ होता है, चुप सकता है, उसे किसी को भी हानि पहुंच सकती है। वह टुकड़ा नुकीला और खुरदुरा होगा, लेकिन जैसे जैसे टुकड़ा पुराना होता जाता है वह चमकीला और गौण होता जाता है। चमकीला है एकदम ग्लिटरिंग आ जाती है, इसमें शाइन आ जाती है, चमकदार बन जाता है, वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है। यहाँ तक कि बहुत समय बीतने पर यह रेत का जर्रा हो जाता है। बहुत समय बीतने पर छोटा सा रेत का जर्रा बन जाता है। जर्रा ने छोटा सा पार्टिकल जो समुद्र किनारे पहुंच जाता है। अगर एक छोटा सा रोड़ा इतनी बात बता सकता है, छोटा सा टुकड़ा इतनी समय पत्थर का इतनी सारी जानकारी दे सकता है, तो पहाड़ों की दूसरी चीजों से हमारे इर्द गिर्द है जो हमें जितना ज्ञान प्राप्त हो सकता है, हम उससे इसकी भाषा पढ़नी आनी चाहिए। हमारे इर्द गिर्द यानी हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं उसे हम समझ कर हम ये पहचान सकते हैं। तो क्या था बच्चों आज का ये रिकॉल यानी पुनर्कथन, ये हो गया बच्चों। अब आज मैं आपको हार्डवर्ड्स यानी मुख्य शब्द दूंगी, मुख्य शब्द और शब्दार्थ दूंगी होमवर्क के लिए। हाँ तो बच्चों फर्स्ट बिट यानी मुख्य शब्द है जो हार्डवर्ड्स है। फर्स्ट वन क्या है, जवाहरलाल नेहरू। सेकंड प्रधानमंत्री। थर्ड इतिहास। फोर्थ पत्थर। फिफ्थ वन इलाहाबाद। सिक्स्थ शुरुआत। सेवेंथ पुस्तक। एट संकल्प। नाइन्थ मनुष्य। टेंथ विज्ञान। सेकेंड बिट में शब्दार्थ यानी मीनिंग से देखिए। फर्स्ट वन इरादा यानी संकल्प। सेकेंड खत पत्र। थर्ड बालू रेत। फोर्थ विज्ञान साइंस। फिफ्थ हड्डियां मनुष्य और पशुओं के शरीर के अंदर की कड़ी वस्तु यानी बहुत ही हार्ड चीज। सिक्स्थ वन रोड़ा ईंट या पत्थर का बड़ा ढेला। तो बच्चों ये मुख्य शब्द और शब्दार्थ होमवर्क के लिए, गृह कार्य के लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए वन टाइम। हार्डवर्ड्स और मीनिंग्स वन टाइम आप प्रैक्टिस कीजिए होमवर्क में और क्लास वर्क में वन टाइम नीट हैंडराइटिंग में लिखिए। और इसका पीडीएफ आपको इसके साथ ही भेज देंगे। आपको लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, नोट्स के लिए रेडी रहिए। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।